अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी मशरूम पास्ता। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने पर इसमें मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ की चॉप कर ली है, वो डालेंगे और तकरीबन इसे 30 सेकेंड के लिए पकाएंगे। को पकाने के बाद लहसुन जो है वो ले लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। लहसुन के जवे लेकर उनको छोटा छोटा काट लिया है और वो 30 सेकेंड के बाद हम वो लहसुन के जो चॉप हुए जवे हैं वो हम डाल देंगे और इसको फिर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद हमने इसमें ले लिया मशरूम। मैंने कैन वाली जो मशरूम होते हैं वो लिए हैं, कोई से भी मशरूम लिए जा सकते हैं। इनको तकरीबन हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज और लहसुन के साथ। नमक हस्बे जायका जाएगा, काली मिर्च पाउडर भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगी और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन। मक्खन के जब वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा तो उसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून जो है मैदा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 कप जो है वो मैंने आधा लीटर समझ लीजिए जो दूध है वो लिया है। इसको हम पका लेंगे। इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैंने चेडर चीज़ लिया है। चीज़ कोई सा भी अपने टेस्ट के हिसाब से या जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए। 1 कप के करीब लिया है मैंने और इसमें जो है मिक्स हर्ब्स जो है वो मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश थायम हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसकी बस थिकनेस इतनी करनी है कि थोड़ा सा थिक हो जाए। और इसके बाद मैंने 1.5 कप के करीब जो पास्ता था, आप अपनी भी चॉइस का कोई भी पास्ता ले सकते हैं, उसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने से पहले ये 1.5 कप था, उसके बाद बॉयल करने के बाद काफ़ी फैल गया। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया हमारा पास्ता। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।